स्टेज फोर कैंसर के 2% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसे बिल्कुल हल्की दवाई से पेशेंट का जड़ से इलाज किया जा सकता है, चाहे कैंसर कितना ही फैला हो। कैसे पकड़े इन 2% पेशेंट को? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड, चैनल के रेगुलर व्यूअर जानते हैं कि इस चैनल का मेन पर्पज ये है कि वर्ल्ड की लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर एडवांसमेंट्स का कम्युनिकेशन कैंसर पेशेंट का किया जाए। और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 20 ईयर्स की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी या MSI। तो MSI एक स्पेशल तरह की जेनेटिक चेंज है जो करीब 2% कैंसर सेल्स में होती है, और इस जेनेटिक चेंज की बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस है। ये जेनेटिक चेंज ऐसा होता है जो चाहे कितना भी फैला हुआ कैंसर हो, चाहे कितनी एडवांस बीमारी हो, इन पेशेंट्स में बीमारी का सिंपल माइल्ड दवाई से जड़ से इलाज परमिट करते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, इस म्यूटेशन के लिए टेस्ट करना बहुत ही सिंपल, चीप और ईजी है। तो आज हम MSI के बारे में आपको सब कुछ समझाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपको अपने कैंसर में MSI की टेस्टिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी से हमारा तात्पर्य क्या है, यानी माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी या MSI क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बॉडी के हर सेल में मॉलिक्यूलर मशीनरी होती है जो DNA को रिपेयर करती है। जैसे मान लो मेरी स्किन का सेल है, उस पर सूरज की किरण पड़ती है और उसका DNA डैमेज हो गया, तो उस सेल के अंदर ऑलरेडी मशीन्स है जो उस DNA को रिपेयर कर सकती है और DNA के डिफेक्ट को करेक्ट कर सकती है, और इनको DNA रिपेयर मशीनरी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, MSI यानी माइक्रोसैटेलाइट स्टेबिलिटी एक DNA रिपेयर मशीनरी का डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि बॉडी की जो मशीनरी DNA को रिपेयर करती है वो डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी उस सेल में म्यूटेशन या जेनेटिक डैमेज होता है तो वो DNA वाली मशीनरी उसको रिपेयर नहीं कर पाती, और ओवर टाइम में म्यूटेशन सेल में एक्यूमुलेट होती रहती है। तो एक सेल जिसमें नॉर्मली म्यूटेशन होती ही नहीं उसमें, या फिर एक कैंसर सेल जिसमें 5, 10, 15 म्यूटेशन होती है, MSI पॉजिटिव कैंसर सेल में म्यूटेशंस हजारों या लाखों की तादाद में होती है, और सेल म्यूटेशन इकट्ठे एक्यूमुलेट करता रहता है और एक हाईली जेनेटिकली कॉम्प्लेक्स सेल में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऐसा सेल जो नॉर्मल सेल से बहुत डिफरेंट है। और इस म्यूटेशन को माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी के जितने भी कैंसर हैं उनमें रफली 2% कैंसर में MSI नाम की जेनेटिक म्यूटेशन प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि चलो ठीक है, कैंसर सेल में DNA रिपेयर की मशीनरी खराब है और उससे उस सेल में बहुत सारी जेनेटिक म्यूटेशन आती है, उसका ट्रीटमेंट से क्या लेना देना है? जस्ट बिकॉज सेल डैमेज हो रहा है और DNA उसमें म्यूटेशन हो रही है, उससे तो ऐसा होना चाहिए ना कि म्यूटेशन ज्यादा हो रही है तो सेल ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं? तो ये एक बड़ी ही अंडरस्टैंड वाली कॉन्सेप्ट है। MSI पॉजिटिव कैंसर सेल में जो हाई क्योर रेट है वो इंट्रिंसिक सेल की म्यूटेशन की वजह से नहीं है, बल्कि उस सेल के इम्यून सिस्टम से इंट्रैक्शन की वजह से है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सपोज बॉडी का कोई नॉर्मल सेल है, सपोज हम आंत के कैंसर के सेल की बात करते हैं, सपोज कोई नॉर्मल सेल बॉडी का है और उसमें वेरियस जेनेटिक म्यूटेशन होती है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है, जब नॉर्मल सेल में ओवर द पर्सन लाइफ जेनेटिक डैमेज होता है तो वो सेल इंडिपेंडेंटली डिवाइड और ग्रो करने की एबिलिटी गेन कर लेता है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सपोज एक नॉर्मल सेल जो कि MSI नहीं है वो एक कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है, तो व्हाट विल टिपिकली हैपन इज 3 या 4 इंपॉर्टेंट जीन्स जो सेल्स के ग्रोथ और स्प्रेड को रेगुलेट करते हैं, वो जीन डैमेज हो जाता है और वो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक टिपिकल कैंसर सेल है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरी बॉडी पे कैंसर सेल्स पे नजर रखता है, और बॉडी में कहीं पे भी कोई भी कैंसर अगर पनपना शुरू होता है तो इम्यून सिस्टम इमीडिएटली उसको पकड़ लेता है और उसको किल कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इम्यून सिस्टम की, कि बॉडी में कैंसर सेल चूंकि नॉर्मल सेल से डिफरेंट है, इम्यून सिस्टम उसके डिफरेंस को पहचान लेता है, वो देख लेता है कि हाँ ये नॉर्मल सेल नहीं लग रहा है, कैंसर सेल लग रहा है, इसको पकड़ के चलो मार देते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, जब हम नॉन MSI सेल की बात कर रहे हैं, जब नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट हुआ, चूंकि इसमें नंबर ऑफ म्यूटेशन कम है इसलिए इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि ये कैंसर सेल है और ये नॉर्मल सेल है। इम्यून सिस्टम को लगता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल सेल जैसा लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है पर इतना डिफरेंट नहीं है कि मैं इसको मार दूं। तो इसीलिए ये सेल्स इम्यून सिस्टम से खुद को छुपा लेते हैं, और हालांकि वो कैंसर वाले सारे काम करते हैं और फैलते हैं, पर इम्यून सिस्टम उनको नहीं पहचान पाता और नहीं किल कर पाता। ऑन दी अदर हैंड, जो MSI पॉजिटिव सेल है उसमें एक जेनेटिक डैमेज है जिसकी वजह से सेल में जो भी म्यूटेशन होती है सेल उसको रिपेयर नहीं कर पाता, और एक सेल हजारों म्यूटेशन जनरेट करता है, और म्यूटेशन से एक सेल एक नॉर्मल सेल से कंपेयर बिल्कुल डिफरेंट सेल बन जाता है, बिल्कुल ऐसा है जैसे एक नॉर्मल आदमी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया हो।
और जब इम्यून सिस्टम इस सेल को देखता है और उसको दिखता है कि हाँ ये मॉन्स्टर जैसा सेल दिख रहा है, तो उसको इमीडिएटली पहचान लेता है कि हाँ ये मेरी बॉडी का सेल नहीं है, ये एक एबनॉर्मल सेल है और देख के मुझे एबनॉर्मल लग रहा है, और इमीडिएटली उसको पकड़ के किल कर देता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MSI पॉजिटिव कैंसर्स में स्पेशल फीचर ये होती है कि चूंकि इम्यून सिस्टम का इन सेल्स की तरफ रिकॉग्निशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए इम्यून सिस्टम ना केवल इन कैंसर को रोक के रखता है जैसे इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो होता है, परंतु यदि हम कुछ दवाइयों से इम्यून सिस्टम को जरा सा भी बूस्ट करें तो इम्यून सिस्टम उस ग्रोइंग कैंसर को इमीडिएटली पहचान के एलिमिनेट और इरेडिकेट कर देता है। और यही रीजन है कि MSI पॉजिटिव ट्यूमर्स में आउटकम बहुत अच्छा होता है और उनमें क्योर का पोटेंशियल हाई होता है। तो जब हमने देखा कि MSI पॉजिटिव ट्यूमर एक बहुत ही अच्छी तरह का ट्यूमर है जिसको हम किसी भी स्टेज पर ठीक कर सकते हैं, जिसका ग्रोथ स्लो होता है, आउटकम बहुत अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहेगा कि कौन से कैंसर्स में MSI देखा जाता है और किन कैंसर में MSI की टेस्टिंग की जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी के हर कैंसर में MSI नहीं होता, हालांकि कुछ ऑलमोस्ट एवरी कैंसर में रेयरली MSI की पॉसिबिलिटी है, बट टिपिकली MSI की टेस्टिंग हम उन्हीं कैंसर में करते हैं जिनमें एटलीस्ट उसका होने का चांस 0.5-1% से ज्यादा हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर इसमें MSI बहुत कॉमन है, वो है बड़ी आंत यानी कॉलन का कैंसर, स्टमक यानी पेट का कैंसर, एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी यानी यूट्रस का कैंसर, इससे रिलेटिवली कम होता है एड्रिनल ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर, सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय का कैंसर, और गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट यानी गॉल ब्लैडर और लिवर के अंदर बिलियरी ट्रैक्ट बाइल की डक्ट्स का कैंसर, जिसको कोलेंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं। और इसके अलावा रेयरली बॉडी के किसी भी एडिनोकार्सिनोमा में MSI देखा जा सकता है। तो एडिनोकार्सिनोमा माइक्रोस्कोप नीचे देखे हुए कैंसर का एक अपीयरेंस को बोलते हैं, और रेयरली किसी भी बॉडी के एडिनोकार्सिनोमा की टेस्टिंग हम MSI के लिए कर सकते हैं, बट जनरली जो कैंसर मैंने बताए हैं उनके अलावा MSI दूसरे कैंसर में रिलेटिवली अनकॉमन या रेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि चलो सपोज कोई पेशेंट है, उसको बच्चेदानी का कैंसर है या सपोज उसको कॉलन का कैंसर है, और हम पता करना चाहते हैं कि इस पेशेंट को MSI या नहीं है, तो इसकी टेस्टिंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, MSI की टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले MSI की टेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट होती थी और बहुत एक्सपेंसिव होती थी, पर आज के दिन MSI की टेस्टिंग वाइडली अवेलेबल है, और ये ट्यूमर के टुकड़े यानी ट्यूमर का बायोप्सी स्पेसिमन या पेशेंट के अंदर से ऑपरेशन करके निकला हुआ स्पेसिमन है, उसके ऊपर एक सिंपल टेस्ट होता है, इसकी रिपोर्ट 4 दिन में या 5 दिन में आ जाती है, जिसको IHC या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो MSI बाय IHC में क्या करते हैं कि पेशेंट का जो ट्यूमर का टुकड़ा हमारे पास है उसे एक स्लाइस काटते हैं और उस पर एक स्टेन लगाते हैं जो MSI वाले प्रोटीन से आगे चिपक जाता है, और जिस पेशेंट में MSI प्रोटीन मिसिंग है वो हम क्लियरली देख सकते हैं। तो MSI IHC की रिपोर्ट जब आती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूएंस है। MSI में कॉमनली जब हम IHC करते हैं तो हम 4 प्रोटीन की टेस्टिंग करते हैं जो रिटेन्ड या एबसेंट होते हैं। तो MSI की रिपोर्ट जो IHC की होती है, टिपिकली उसमें 1, 2, 3, 4, 4 प्रोटीन दिखते हैं, और उसे आगे लिखा होता है कि ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, रिटेन्ड है एबसेंट है। तो जिन पेशेंट में प्रोटीन चारों रिटेन्ड है उनको हम MSI नेगेटिव बोलते हैं, यानी ये वो पेशेंट है जिसमें माइक्रोसैटेलाइट स्टेबिलिटी नहीं है, और जिन पेशेंट में चारों में से कोई भी प्रोटीन मिसिंग है उनको हम MSI हाई या डिरेज्ड MMR DMMR बोलते हैं, और ये वो पेशेंट है जिनका MSI जीन पॉजिटिव है। तो यदि 4 प्रोटीन में से एक भी प्रोटीन नॉट इंटैक्ट है तो इन पेशेंट को हम MSI पॉजिटिव बोलते हैं, और ये पेशेंट है जिनको MSI जीन पॉजिटिविटी के हम सारे बेनिफिट्स या फायदे हम दे सकते हैं। MSI टेस्टिंग के दूसरे तरीके में हम डायरेक्टली पेशेंट के DNA की जांच कर सकते हैं, देखने के लिए कि उन प्रोटीन्स के एब्सेंस की वजह से क्या DNA में मल्टीपल म्यूटेशन है और हाई म्यूटेशन नंबर है, और DNA रिपेयर की वजह से म्यूटेशन इकट्ठी हो रही है नहीं हो रही है। इस चीज को MMR यानी मिसमैच रिपेयर यानी MSI की जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं, और इसकी 2 टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, एक को हम बोलते हैं PCR और एक को हम बोलते हैं NGS। तो फ्रेंड्स, PCR का मतलब ये होता है कि पेशेंट का जो कुछ स्पेसिफिक DNA के सेगमेंट्स है जिसको हम जानते हैं कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, उन पे एक स्पेशल तरह की जेनेटिक प्रोब लगा के उसकी करोड़ों हजारों कॉपीज बनाते हैं और चेक करते हैं कि एक सीक्वेंसर के थ्रू कि उस प्रोब में जो नॉर्मल DNA के सेगमेंट्स है वो नॉर्मली अरेंज्ड है या इररेगुलरली अरेंज्ड है, और इसको हम PCR टेस्टिंग ऑफ मिसमैच रिपेयर या PCR टेस्टिंग ऑफ माइक्रोसैटेलाइट स्टेबिलिटी बोलते हैं। उसके अलावा एक दूसरा टेक्नोलॉजी होती है, इसको NGS बोलते हैं, जिसमें हम DNA के जेनेटिक कोड को ही सीक्वेंस कर लेते हैं और सीक्वेंस में देखते हैं कि नॉर्मल जो DNA के पैसेजेस है उसमें म्यूटेशन का लेवल क्या है और कितनी म्यूटेशंस शिफ्टेड है और नॉर्मल माइक्रोसैटेलाइट कितनी डिरेंज्ड है। ये दोनों टेक्नोलॉजी मॉलिकुलर टेक्नोलॉजीज होती है, इनका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर ये ज्यादा एक्यूरेट तरीका है MSI डिटेक्ट करने का,
और जिन पेशेंट में MSI IHC में हमें डाउट होता है टिपिकली उनको MSI PCR या NGS के थ्रू टेस्ट करके हम अपने डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स बात करते हैं कि MSI पॉजिटिव ट्यूमर्स का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और इन ट्यूमर्स के बारे में क्यों इतना आउटकम बहुत अच्छा है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि MSI पॉजिटिव ट्यूमर्स को इम्यून सिस्टम आराम से पहचान सकता है। इसका नतीजा ये होता है कि बॉडी में चाहे MSI पॉजिटिव ट्यूमर स्टेज 1 या 2 का ही हो, इम्यून सिस्टम इन ट्यूमर्स पर नजर रख रहा होता है। चाहे वो अर्ली स्टेज पर भी हो, इम्यून सिस्टम उनको उन पर कंटिन्यूस दबाव डाल रहा होता है और कंटिन्यूसली कोई भी कैंसर से अगर उस ट्यूमर मास में से और अग्रेसिव होता है तो इम्यून सिस्टम उसको इमीडिएटली कैच करके किल कर देता है। तो बड़ा टिपिकल सी चीज़ है कि जिन पेशेंट को MSI पॉजिटिव ट्यूमर है वो मोस्ट कॉमनली स्टेज 1 या 2 पे पकड़े जाते हैं। ये यूजली लेस कॉमन होता है कि MSI पॉजिटिव ट्यूमर स्टेज 4 में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि जो ट्यूमर स्टेज 4 में कन्वर्ट होते हैं वो इम्यून सिस्टम से लड़के ही स्टेज 4 तक पहुंच पाते हैं और MSI ऐसे ट्यूमर होते हैं जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम से कॉमनली लड़ नहीं पाते हैं। तो मेजॉरिटी केसेस में एक इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है कि MSI पॉजिटिव ट्यूमर चाहे पेट में हो, चाहे कॉलन में हो, चाहे एंडोमेट्रियम में हो, यूजली MSI पॉजिटिव ट्यूमर स्टेज 1 या 2 ही होते हैं और ये अर्ली स्टेज ट्यूमर होते हैं, इनका क्योर रेट बहुत हाई होता है। तो MSI पॉजिटिव ट्यूमर यूजली अर्ली स्टेज के होते हैं, यूजली स्लो ग्रोइंग होते हैं, जल्दी ज़्यादा फास्ट नहीं ग्रो होते और यूजली इनका क्योर रेट बहुत अच्छा होता है, यानी इनको ऑपरेशन के बाद इनको जड़ से इलाज का चांस बहुत बहुत हाई होता है। एडिशनली MSI पॉजिटिव ट्यूमर जैसे हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हाईली इम्यूनोसेंसिटिव होते हैं और इन पेशेंट्स में यदि इम्यून सिस्टम को जरा सा भी एक्टिवेट करे तो ट्यूमर को कम्प्लीटली इरेडिकेट किया जा सकता है और इलिमिनेट किया जा सकता है और कई बार इन ट्यूमर्स को कुछ केसेस में इवन सर्जरी ऐसी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती और सिंपल इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन थ्रू इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स से हम पेशेंट को बहुत अच्छा आउटकम और बहुत अच्छा सर्वाइवल दे सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स बात करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी और MSI का क्या रिलेशनशिप है। तो फ्रेंड्स इम्यूनोथेरेपी की हम इस चैनल पर कई बार बात करते हैं, इम्यूनोथेरेपी वो टेक्नोलॉजीज है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट या स्टिमुलेट करती है और इम्यून सिस्टम जिन रीजन से कैंसर सेल को नहीं मार पा रहा उन सिस्टम्स को ब्लॉक करते था कि इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को कन्वर्ट कैच करके किल कर दे और पेशेंट को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या लॉन्ग टर्म आउटकम दे। तो चूंकि MSI पॉजिटिव ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर होते हैं जो इम्यूनोसेंसिटिव है और बस कुछ छोटे मोटे मैकेनिज्म से किसी तरह ग्रो कर रहे हैं, यदि हम इम्यून सिस्टम को जरा सा भी एक्टिवेट करेंगे तो पूरे ट्यूमर को इरेडिकेट कर देता है और इम्यूनोथेरेपी से MSI पॉजिटिव ट्यूमर्स का बहुत अच्छा आउटकम है। इनफैक्ट यदि हम लास्ट ईयर की बात करें, आई थिंक काफी लोगों को याद होगा कि एक नए इम्यूनोथेरेपी ड्रग की बात हुई थी जिसको जेम्परली या डॉस्टार्लिमैब बोलते हैं और एक स्टडी हुई थी कि आंत के कैंसर के 18 मरीजों को जेम्परली दी, उनका ट्यूमर पूरी तरह साफ हो गया। तो इस स्टडी में यही इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो 18 के 18 पेशेंट MSI पॉजिटिव थे और इसीलिए इम्यूनोथेरेपी ने ट्यूमर के कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया। तो उस ड्रग में कोई खास बात नहीं थी, वो ड्रग एक नॉर्मल इम्यूनोथेरेपी ड्रग था, पर चूंकि वो ट्यूमर सेल्स MSI पॉजिटिव थे और हाईली इम्यूनोसेंसिटिव थे इसलिए लाइट डोज ऑफ इम्यूनोथेरेपी से ही ऑलमोस्ट 0 साइड इफेक्ट से कैंसर सेल्स को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया और यही MSI की खास फीचर है। तो फ्रेंड्स MSI पॉजिटिव कैंसर में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और आज के दिन ज्यादातर रिसर्च का सार ये है कि ये पेशेंट्स किट कैंसर हाईली इम्यूनोसेंसिटिव है और इवन इफ द पेशेंट इज स्टेज 4 यदि पेशेंट को राइट इम्यूनोथेरेपी का एक्सपोजर दिया जाए तो डेटा ये कहता है कि ऑलमोस्ट 70-80% पेशेंट्स इम्यूनोथेरेपी रिस्पॉन्ड करते हैं और श्रिंक करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेस सालों तक लास्ट करते हैं, यानी जो ट्यूमर का श्रिंकेज या रिस्पॉन्स है वो यूजली मेनी ईयर्स तक लास्ट करता है। यूजली जिन पेशेंट की बीमारी 1 साल तक कंट्रोल में है उनकी बीमारी यूजली लॉन्ग टर्म कंट्रोल में रहती है और कभी वापस नहीं आती। तो डेटा ये कहता है कि यदि पेशेंट को बेस्ट अवेलेबल इम्यूनोथेरेपी मिले और पेशेंट का ट्यूमर MSI पॉजिटिव है तो ऑलमोस्ट 70-80% पेशेंट लॉन्ग टर्म सर्वाइवर होते हैं, चाहे वो कितना ही फैला कैंसर हो, चाहे वो लिवर में हो, चाहे वो लंग में हो, चाहे वो बोन में हो, कितना ही फैला कैंसर हो, 70-80% लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और क्योर कैन बी अचीव्ड इन MSI पॉजिटिव पेशेंट्स यदि उनको राइट इम्यूनोथेरेपी का फायदा मिला जाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन पेशेंट को MSI पॉजिटिव ट्यूमर है इन पेशेंट को, खासकर जो पेशेंट में बीमारी फैली हुई है या स्टेज 4 है, इन पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से एक सब्सटैंशियल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को बिना सर्जरी, रेडिएशन और बिना कीमोथेरेपी सिंपल इम्यूनोथेरेपी दवाइयों से क्योर किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दिया जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि एग्जैक्ट रिस्पॉन्स ट्यूमर टाइप पर डिपेंड करता है पर MSI पॉजिटिव ट्यूमर्स में सिंपल इम्यूनोथेरेपी मेडिसिन से वेरी वेरी गुड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड लॉन्ग टर्म आउटकम पॉसिबल है, चाहे पेशेंट स्टेज 4 ही हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी स्टेज 4 कैंसर पेशेंट, स्पेशली जिनको वो कैंसर टाइप जो मैंने पहले बताई थी
वो वाले कैंसर्स हो या जिनको एडिनोकार्सिनोमा हो, उनको अपने ट्यूमर का एमएसआई टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए, क्योंकि एमएसआई टेस्टिंग सिंपल, इजी एंड चीप है। और जिन पेशेंट का एमएसआई पॉजिटिव है उनको हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या क्योर दे सकते हैं, तो इन पेशेंट्स को एमएसआई टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए और इम्यूनोथेरेपी का फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है इस इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के बारे में आपको यूजफुल जानकारी मिली होगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन पर्पज है कि इंडिया के कैंसर पेशेंट्स को वर्ल्ड की लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन अपनी भाषा में मिले, और इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नीचे लाइक्स और कमेंट्स दीजिए। यदि इस वीडियो में दी इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप अपना क्वेश्चन मेरे पास भेज सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का सवाल जल्द से जल्द आपको दिया जाए। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।